गुड मॉर्निंग क्लास, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास चल रही है। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में, एक एक ऑर्गन के बारे में कि डाइजेशन के अंदर कौन कौन सा पार्ट हिस्सा लेता है ना। कल तक हमने ओरल कैविटी और कुछ ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था। हमारी ओरल कैविटी के बाद में जो पोर्शन आता है वो होता है ईसोफेगस, जहाँ पर क्या होता है खाना और ज़्यादा डाइजेशन का काम करता है, उसके बाद में स्टमक में जाता है। तो हमने ईसोफेगस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, हम उसको आज वापस से आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे ईसोफेगस के बारे में। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि ईसोफेगस में क्या होता है, कि ये कहाँ होता है, हमारा जो विंड पाइप होता है उसके पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है ना, हमारे विंड पाइप के पीछे ईसोफेगस होता है। तो जब भी जिसको हम कह सकते हैं हमारी आहार नल है ना, तो क्या होता है जब हम कुछ खाते और गलती से हमें हमारा खाना ईसोफेगस में ना जा कर के हमारे विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें बहुत इरिटेशन होती है ना, सेंसेशन होता है, मतलब नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ठसका, जिसको हम आम भाषा में ठसका बोलते हैं, हमें ठसका लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाता है कि आपका खाना जो खाने की नली उसमें ना जा करके सांस की नली में चला गया है ना। तो क्यों ऐसा, इसलिए हो जाता है कि कई बार हम बहुत जल्दीबाजी में खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा खाने का जो जाने का तरीका है वो थोड़ा सा, क्योंकि पाइप क्या होता है, हमारा विंड पाइप के जस्ट हल्का सा पीछे ही ईसोफेगस होता है, तो इस वजह से ये देखने को हमको मिलता है। आगे क्या बोलते हैं कि व्हेन यू आर स्वेलो फूड और लिक्विड, वंस अ फूड हैज एंटर्ड टू द ईसोफेगस, इट डजंट जस्ट drop light to the stomach, instead muscles is the muscles is the walls of esophagus move in a wavy wave पेरिस्टाल्टिया या टेलेशिया, विच स्लोली
which is slowly squeeze the food through the esophagus this take about 2 से 3 सेकेंड लगते हैं, है ना। तो ईसोफेगस में हमने कल तक देखा था कि ईसोफेगस हमारा कई बार स्पीड में खाने या पीने की वजह से हमारे कई बार विंड पाइप में भी खाना चला जाता है ना। तो उसके आगे क्या बोलते हैं कि वंस अ फूड हैड इंटर इन द ईसोफेगस, जब एक बार खाना ईसोफेगस में जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि वो सडनली क्या होता है कि स्टमक में नहीं जाता। तो इट डज नॉट जस्ट ड्रॉप लाइट इन टू द स्टमक, इंस्टेड क्या होता है जो मसल स्वॉल होती है इन द ईसोफेगस वो क्या करती है कि ऐसे वेवी वेव्स लेती हैं, ऐसे वेव करती, जिससे क्या होता है कि जो स्लोली क्या होता है स्क्वीज होता है, जो हमारा खाना होता है वो धीरे धीरे क्या स्क्वीज होने लगता है इन द थ्रू द ईसोफेगस। और दिस टेक अबाउट 2 से 3 सेकेंड्स, यानी कि जो वेवी वेव्स होंगी वो किस टाइप में होंगी, 2-3 सेकेंड की होगी, जिससे कि जो हमारा खाना है वो क्या होगा स्क्वीज होगा। जैसे कि हम मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि कुछ कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो पहले ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ बाद में होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं सभी उन चीज़ों में ये मदद करते हैं। ईसोफेगस के बाद में हमारा आ जाता है फूड चला जाता है स्टमक के अंदर। तो जब स्टमक के अंदर हमारा खाना जाएगा तब क्या होता है, तो हम वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रैक में क्या आ जाता है, हमारा स्टमक आ जाता है। इन सब के डायग्राम हम एक साथ में देखेंगे कि पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इनका आपका जो ईसोफेगस है वो कैसा दिखता है ना। शॉर्ट एक पोर्शन में हम उसका पूरा एलिमेंट्री ट्रैक को हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डायग्रामेटिकली हम उसे समझेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं स्टमक की। तो योर स्टमक इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द ईसोफेगस, है ना, जो हमारा ईसोफेगस होता है। ये क्या हो रहा है वन बाय वन, है ना, जैसे हमारा खाना वन बाय वन कैसे मूव करता है वैसे ही ये वन बाय वन हम क्या करें, जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले ओरल कैविटी के बारे में हमने डिस्कस करा था, क्योंकि ओरल कैविटी क्या होती, सबसे पहला हमारा मुंह होता है ना, हमारे मुंह की वजह जहाँ सबसे इनिशिएशन बोलते हैं हम, जिसको इनिशिएशन होना स्टार्ट होता है खाने का डाइजेशन का, उसके बाद में वो नीचे जाता है ना, तो वो हमारा सेकंड पोर्शन हम कह सकते हैं कि हमारा ईसोफेगस होगा। थर्ड हमारा कौन सा होगा, हमारा स्टमक होगा। तो हम स्टमक के बारे में, तो स्टमक कहाँ होता है कि ईसोफेगस के एंड में हमारा स्टमक अटैच्ड होता है। इट हैज बीन थ्री इम्पॉर्टेंट जॉब्स, तो इसकी तीन इम्पॉर्टेंट जॉब्स होती है, टू स्टोर द फूड
यू हैव ईटन फिर सेकेंड होता है ब्रेक ब्रेक डाउन द फूड इंटू ब्रेक डाउन द फूड इंटू अ लिक्विडी मिक्सचर एंड लास्ट एंड स्लोली एंड स्लोली एम्प्टी दैट मिक्सचर इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन देखो हमारा जो पेट होता है हमारा स्टमक जो होता है वो इसोफेगस के एंड में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली तीन काम करता है, पहला खाने को जमा करना, उस खाने का ब्रेक डाउन करना, उसे तोड़ना, और तीसरा क्या होता है हमारे उस खाने को इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाना है ना। तो हमारा स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक इट हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट जॉब, स्टोर द फूड यू हैव ईटन, ब्रेक डाउन द फूड इंटू द लिक्विडी मिक्सचर, एक लिक्विडी टाइप का मिक्सचर जिसे वो इजीली मूव हो सके है ना, और स्लोली एम्प्टी द मिक्सचर इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि उस मिक्सचर को क्या करना है एम्प्टी करना है, खाली करना है, किसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द स्टमक इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ च्यूइंग एंड मैशिंग। Together all the small balls of the food that come down the esophagus, come down the esophagus into smaller and smaller piece is does this with it does with help from the strong muscles in the wall of the stomach and
गैस्ट्रिक, juices that also come from the stomach walls. देखो जो हमारी stomach walls होती है वो क्या काम करी, दो तरह का काम करी, काटने का और उसको मैश करने का, है ना। तो स्टरिंग करिंग एंड मैशिंग टुगेदर द स्मॉल बॉल्स ऑफ द फूड दैट कैम डाउन ईसोफेगस, जो जो छोटी छोटी बॉल्स आती ईसोफेगस से उसको क्या करती, काटती है और मैश करती है, फिर काटती है फिर मैश करती है। उसकी वजह से क्या होते, जो स्मॉल पीसेस होते वो और ज़्यादा स्मॉल होते चले जाते हैं और एक लिक्विडी टाइप ऑफ टाइप ऑफ फूड हो जाता है, मतलब वो लिक्विडी टेक्सचर ले लेता है। तो स्मॉलर एंड द स्मॉलर पीसेस इट हैज़ विथ द हेल्प फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूसेस दैट आल्सो कम फ्रॉम द स्टमक वॉल। तो जो वो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि ये काम करता है वो कहाँ से निकलता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स के द्वारा ये होता है और वो स्टमक वॉल्स के अंदर से निकलते हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस भी उसके स्टमक से निकलते हैं, यानी स्टमक वॉल जो होती है उसमें से। एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टमक में, हम वो देखते हैं क्या है। In additions to breaking down food, gastric juice also help kill bacteria that might be in the eaten food. The enzymes that get secreted in the stomach are gastric enzymes. In addition में हम बोल सकते हैं जो खाना जो ब्रेकिंग डाउन फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज को किल करने में। और वो बैक्टीरियाज कहाँ से होते हैं, मे बी जो हम खाना खा रहे हैं उसी खाने के अंदर से वो हमें वो बैक्टीरिया, कई बार हम खाना खाते हैं तो उन खाने में बैक्टीरियाज हो सकते हैं ना। तो क्या होता है, द एंजाइम दैट गेट सीक्रेटेड इन द स्टमक दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक एंजाइम। तो जो एंजाइम स्टमक में से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोलते हैं। ऐसा इसीलिए बोला जाता है, ये एंजाइम सिर्फ क्या काम करते हैं, जो बैक्टीरिया आ गए हैं उनको किल करने का काम करे, डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करते एंजाइम्स। इसीलिए गैस्ट्रिक एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम नहीं दिया गया है, ये एंजाइम होते हैं लेकिन ये एक तरीके से सिर्फ स्टमक के अंदर कुछ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया ना आ जाए और आ गए हैं तो उन्हें किल करने का काम करते हैं। तो स्टमक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे
खाने से न्यूट्रिशंस को निकालता है, कैसे वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं और कैसे वो बाकी का वेस्टेज मटेरियल कैसे पास आउट होता है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे।